हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं रेडमी 9A के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो दोस्तों, शुरू से के लिए आज तक इस वीडियो में हमारी बने रही है और आपको इस फ़ोन की कुछ क्या क्या हिडन फीचर इस फ़ोन में और देखने को मिल जाते हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी जो होम स्क्रीन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं और आपको क्या करना है, सबसे पहले टू फिंगर से कुछ इस तरीके से पिंच आउट करना है। तो जैसे कि आपके होम स्क्रीन पे जो ऐप्स हैं उनको आप एक बार में सेलेक्ट करके आप फर्स्ट पेज या सेकंड पेज पे इस तरीके से ले जा सकते हैं, कुछ इस तरीके से जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों, फिर से टू फिंगर से पिंच आउट करना है तो आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है, यहाँ पर वाल पेपर का ऑप्शन है, आप डायरेक्टली यहाँ से वाल पेपर अपने फ़ोन में लगा सकते हैं। नीचे विजेट्स हैं जो कि आप यहाँ से अपने आने के बाद किसी ऐप के विजेट्स और अपने हिसाब से गूगल क्रोम के विजेट्स जो आप सर्च बार लगाना चाहते हैं वो कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे देखेंगे तो हमें सेटिंग का कुछ आइकॉन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक कर लेना है तो हमें सबसे ऊपर की तरफ देखने को मिल जाता है ट्रांजिशन इफेक्ट्स, तो आपको इस पर क्लिक करना है तो आपका जो होम स्क्रीन है कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है जो कि स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ से आने के बाद उसका सिलेक्शन कर पाएंगे, जो आपको अच्छा लगता है वो यहाँ से आने के बाद इसे सेलेक्ट कर पाएंगे। फिर से हमें सेटिंग पर क्लिक करना है और नीचे की तरफ हमें देखेंगे तो दूसरे नंबर पर देखने को मिल जाता है सेट डिफ़ॉल्ट स्क्रीन। तो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं कि आपको होम स्क्रीन कौन सा डिफ़ॉल्ट रखना है, जैसे कि आप होम वाला जो बटन है उसको प्रेस करते हैं तो आपको कौन सा स्क्रीन है जो कि ऑलवेज ओपन रहे, तो यहाँ आने के बाद अपना जो कि सिलेक्शन कर पाएंगे। जैसे कि मैंने ये वाला कर लिया तो मैं अब जब बीच वाला दबाऊंगा तो मेरा ये वाला पेज है डायरेक्टली ओपन रहेगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से सेटिंग में अंदर आना है, यहाँ पर आने के बाद आपको देखने को मिल जाता है होम स्क्रीन लेआउट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 4:6 और 5:6 का जो होम लेआउट है वो देखने को मिल जाता है, तो आप इसका सिलेक्शन अपने हिसाब से कर पाएंगे। नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है फिल सेल्स एंड अनइंस्टॉल ऐप्स, तो आप इसको इनेबल कर लेंगे तो होने के वाला है ऐसे आपको, जैसे कि आपने कोई होम स्क्रीन से कोई ऐप अनइंस्टॉल मारा है तो वहाँ पे जो स्पेस हो जाता है तो ऑटो फिल यहाँ पे हो जाएगा, तो आप यहाँ से आने के बाद इसका सिलेक्शन कर पाएंगे। नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है मोर का ऑप्शन, इस पर मोर पर क्लिक कर लेना है। मोर पर क्लिक करने में जैसे कि आप देख पाएंगे सबसे ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलता है डिफ़ॉल्ट लॉन्चर, इस पर क्लिक करेंगे तो देखने को मिल जाता है नीचे की तरफ आपको लाइट मोड, तो आपको कुछ इस फोन में लाइट मोड का भी जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है, तो आपका फ़ोन कुछ इस तरीके से लाइट मोड में आ जाएगा। तो आपके जो मेन हाइटलाइट वाले जो कि ऑप्शन है वो देखने को केवल हाइटलाइट आपको देखने को मिल जाएंगे। इसको हटाने के लिए हमें सेटिंग में जाना होगा, सेटिंग में अंदर आने में सबसे ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल जाता है टैप टू टर्न ऑफ लाइट मोड, तो यहाँ से आने के बाद इसको हमें ऑफ कर देना है। उसके बाद हमें फिर से होम स्क्रीन पर जाना है और फिर से टू फिंगर से पिंच आउट करना है और फिर से सेटिंग में अंदर आ जाना है, फिर से मोर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाता है आइकन साइज, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर आपका जो आइकन है उनका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं और यहाँ पर नीचे अप्लाई करके उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे होम स्क्रीन लेआउट का भी जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से इनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरफ देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाता है सो मेमोरी स्टेटस, इसे इनेबल करने के बाद क्या होने वाला है, जिसके आपके फ़ोन का मेमोरी जो होता है कितना यूज हुआ है कितना स्पेस है वो सारा ये शो कराने लगता है। आप रिसेंट की दबाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे कोने में ये शो कराएगा, तो आप यहाँ से आने के बाद ये शो मेमोरी स्टेटस लगा सकते हैं। उसके बाद गाइस हमें अपनी जो कॉलॉक्स का जो आइकन है इस पर क्लिक कर लेना है, यहाँ क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ एक छोटा सा आइकन सेटिंग का, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस फोन में आपको दोस्तों दूसरे नंबर देखने को मिल जाता है कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, तो इस फोन में आपको डायरेक्टली ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है देखने को मिल जाता है बिना थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाले हुए। इसके बाद गाइस आपको हल्का सा स्क्रॉल डाउन करना है तो आपका जो ब्लैक लिस्ट है यहाँ से आप ब्लैक लिस्ट यहाँ जो कॉन्टैक्ट नंबर है उनको लगा और हटा सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाता है ऑटो आंसरिंग का मोड, तो यहाँ पर आने के बाद आप चेक कर सकते हैं आप किस टाइम आपकी जो ऑटो आंसरिंग है किस टाइम आपकी ओपन रहे, तो यहाँ पर आप आने के बाद सेट जैसे कि नीचे देख पा रहे होंगे जिसमें मेरा सिम कार्ड नहीं है पड़ा हुआ तो ये थोड़ा ब्लैंक है, जिसके ऑलवेज ऑन या फिर हैंडसेट ओनली या फिर ब्लूटूथ पर कनेक्ट हो तब वो आपका, या फिर हैंडसेट और ब्लूटूथ पर हो तभी ऑटोमेटिक आंसर हो, तो आप यहाँ से आने के बाद अपना सिलेक्शन कर पाएंगे। तो थोड़ा सा बैक आ जाना, बैक आने के बाद हमें नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है एडवांस सेटिंग का ऑप्शन और इस पर क्लिक करने के बाद जिसके आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके आपको देखने को मिल जाता है दूसरे नंबर पर क्विक डायल का ऑप्शन, तो यहाँ पर आने के बाद अपने हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 9 तक आपको स्पीड डायल का ऑप्शन इस फोन में देखने को मिल जाता है, तो अपने हिसाब से यहाँ पर ऐड डायल करके अपने नंबर ऐड कर सकते हैं। नीचे तरफ देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाता है वाइब्रेट न्यू कॉल इन आंसरेट, तो आपको किस तरीके का जो कि वाइब्रेट है किस टाइप का आपका वाइब्रेट करे फ़ोन आंसरिंग में, तो यहाँ से आने के बाद सिलेक्शन कर सकते हैं अपना। और गाइस यहाँ पर नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाते हैं कुछ अदर फीचर जो कि आपको सिम डालने पे ही यहाँ पे शो होने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ से बैक आ जाते हैं, थोड़ा सा बैक आने के बाद आपको बताते हैं सेटिंग के अंदर चलना है। सेटिंग में अंदर आने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का जो कंट्रोल पैनल है इसे यहाँ पे शो हो रहा है, उसको चेंज करने के लिए क्या करना है हमें सेटिंग में अंदर आना है और अंदर आने के बाद हमें चलना है अपने डिस्प्ले के अंदर।
इसमें अंदर आने के बाद हमें थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे देखने को मिल जाता है आपका कंट्रोल सेंटर और नोटिफिकेशन। यहाँ पर क्लिक कर लेना और नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा ये यूज न्यू कंट्रोल सेंटर, तो आपको इसको इनेबल कर लेना है। तो आपको जो कंट्रोल पैनल है कुछ इस तरीके का देखने वाला है, कुछ अमेजिंग टाइप का। तो गाइस इसको आप इनेबल कर लीजिए, ये MIUI 12 में देखने को मिल जाता है। अगर इस साइड से आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से नोटिफिकेशन यहाँ पे शो होती रहेंगी। तो गाइस ये आप न्यू वाला यूज़ करना चाहते हैं तो न्यू वाला कर सकते हैं, वरना आप ओल्ड का भी यूज़ कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद गाइस हमें लॉक स्क्रीन में अंदर आ जाना है। लॉक स्क्रीन में अंदर आने के बाद आपको देखने को मिल जाता है सबसे ऊपर की तरफ आपका जो स्क्रीन टाइमर होता है उसका सिलेक्शन करने का यहाँ पर ऑप्शन है, जो कि देखने को मिल जाता है आप किस टाइम का अपने होम स्क्रीन टाइमर लगाना चाहते हैं। नीचे तरफ देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है राइज टू बैक, तो इसको इनेबल करेंगे क्या होने वाला है गाइस, जैसे कि आपका फ़ोन कुछ इस तरीके से टेबल पर रखा हुआ है तो आप उसको इस तरीके से उठाएंगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली ऑन स्क्रीन ऑन हो जाएगा। तो इसका ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। नीचे तरफ देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है डबल टैप टू बैकअप टर्न ऑफ स्क्रीन, तो आप इसको इनेबल करेंगे तो क्या होने वाला है गाइस, जैसे कि आपका फ़ोन रखा हुआ है कुछ इस तरीके से आप डबल बार उसको फिंगर से टैप करेंगे तो आपका होम स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इसके बाद गाइस नीचे देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाता है लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट, तो यहाँ पर आने के बाद अपना जो क्लॉक है आप उसका फॉर्मेट जो कि कुछ इस तरीके से चेंज कर पाएंगे, तो आप यहाँ से आने के बाद अपना जो क्लॉक का फॉर्मेट है वो चेंज कर पाएंगे। गाइस उसके बाद नीचे को देखने को मिलेगा आपको होम स्क्रीन इन्फो, तो यहाँ पर आने के बाद अपना इन्फो डाल सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पर अपना शुभ नाम डाल सकते हैं यहाँ पर आने के बाद, और उसको कुछ इस तरीके से डालने के बाद ओके कर सकते हैं, जो कि मैं आपको शो कराऊंगा किस तरीके से वो शो होगा। तो गाइस देख सकते हैं मेरा कुछ इस तरीके से वो नाम शो हो रहा है, तो आने के बाद आप कुछ इस तरीके से उसको शो करा सकते हैं। थोड़ा सा बैक आ जाना है, बैक आने के बाद हमें जो कि डिस्प्ले है उसमें अंदर आ जाना है। अंदर आने के बाद आपको सबसे ऊपर ही देखने को मिल जाता है बैक न्यूज़ लेवल का मोड, और नीचे दूसरे नंबर पर देखने को मिल जाता है हमें राइडिंग मोड। तो गाइस ये क्या होने वाला है, जैसे आप इसको इनेबल करेंगे तो जो आइस केयर होता है कुछ रीडिंग मोड से नाम से प्रसिद्ध होता है, कुछ आइस मोड से ये प्रसिद्ध होता है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे आपकी जो होम स्क्रीन का जो लाइट है वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ आपको शेड्यूल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप अपने हिसाब से इसका टाइमर लगा सकते हैं किस टाइम इसका भी इनेबल हो किस टाइम ये डिसेबल हो, सारा सिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। नीचे तरफ देखने को मिलेगा तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कलर स्कीम, तो आप अपने फ़ोन की किस टाइप की स्क्रीन हमेशा यूज़ करना चाहते हैं तो सारा सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ से आने के बाद अपने कलर सेट कर पाएंगे। तो यहाँ नीचे बात की जाए तो यहाँ पर देखने को मिल जाता है डार्क मोड का ऑप्शन, तो गाइस यहाँ पर आने के बाद जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर डार्क मोड कुछ इस तरीके से इनेबल कर पाएंगे, और यहाँ पे देखने को मिलता है नीचे की तरफ शेड्यूल का भी ऑप्शन, तो आप अपने हिसाब से यहाँ टाइमर सेट भी कर सकते हैं किस टाइम आपका ये डार्क मोड है इनेबल रहे और किस टाइम ये ऑफ रहे, तो आप अपने हिसाब से यहाँ टाइमर भी लगा सकते हैं डार्क मोड में। बैक आने के बाद यहाँ पर सिस्टम फाउंड का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलता है, तो आप यहाँ आने के बाद इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके फाउंड जब इनेबल डाउनलोड किए हुए होंगे तो यहाँ पर फाउंड आपके हो जाएंगे और आप उनका सिलेक्शन कर पाएंगे। नीचे टैक्स साइज यहाँ देखने को मिल जाता है, तो आपने जो फ़ोन के जो टैक्स हैं वो कुछ छोटे बड़े कुछ इस तरीके से यहाँ कर पाएंगे। बात की जाए यहाँ पर कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन सेलेक्ट की, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, तो जिसकी सबसे ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल जाता है हाइड नोच, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप देख पा रहे हो आपको किस टाइप की आपकी जो नोच है वो किस टाइप से आपको यूज़ करना है वो सारा सिलेक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो जिस टाइप से आप अपना सिलेक्शन करना चाहते हैं उसे यहाँ से कर सकते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है फुल नोच या फिर ड्रॉ नोच या फिर डोंट हाइड, तो जिस टाइप से आप इसको सिलेक्शन कर सकते हैं वो यहाँ से आने के बाद कर पाएंगे। तो गाइस आने के बाद आप चाहते हैं किसी ऐप का अपने हिसाब से सिलेक्शन करना, तो आप यहाँ पर आने के बाद अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको वो नोच एरिया कवर करना है या फिर डायरेक्टली फुल स्क्रीन पर चलाना है। बात किया है यहाँ पर आपने देखने को मिल जाता है सो कनेक्शन स्पीड, तो इसको इनेबल करेंगे तो क्या होने वाला है गाइस, आपका जो नेट का स्पीड होता है वो कितना आ रहा है वो सारा यहाँ पर शो होने लगेगा आप अगर इसको इनेबल करते हैं तब। उसका नीचे हमें देखने को मिलेगा यूज कंट्रोल पैनल, जो कि मैंने आपको पहले बता ही चुका हूँ, जो आपका कंट्रोल पैनल है कोई इस तरीके का नए तरीके का आपका ऑन हो जाएगा, तो आप अगर आप नए तरीके का यूज़ करना चाहते हैं नए कर सकते हैं, वरना आप पुराने भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ बात की जाए तो आपको देखने को मिल जाता है बैटरी इंडिकेटर, तो यहाँ आप अपने हिसाब से जो आपकी बैटरी परसेंटेज है किस टाइप की लगाना चाहते हैं कुछ इस टाइप की या फिर आपका लगा हुआ है कुछ इस टाइप का, तो आप अपने हिसाब से ये सिलेक्शन कर पाएंगे। थोड़ा सा बैक आते हैं, बैक आने के बाद हमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे तरफ आपको देखने को मिल जाता है ऑटो रोटेट का ऑप्शन, तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं नहीं इसको बैक कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें फिर से फ़ोन की सेटिंग में अंदर आ जाना है, सेटिंग में अंदर आने के बाद आपको हल्का सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में अंदर आ जाना है, और यहाँ अंदर आने के बाद आपको देखने को मिल जाता है फुल स्क्रीन डिस्प्ले, इस पर क्लिक करना है।
तो आप इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ देखने को मिलता है फुल स्क्रीन जेस्चर। तो गाइस आपके जो नीचे कीज हो रही हैं आपको इनको हाइड करना है, तो किस तरीके से कर पाएंगे तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ आने के बाद आपको इसको नोट पर क्लिक करने के बाद आप इसको इस तरीके से डन कर पाएंगे। तो आपके जो होम की हैं कुछ इस तरीके से हाइड हो जाएंगी और आपको बैक कुछ इस तरीके से होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जिस तरीके से आपको सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं आप किस तरीके से आपको ये होम और बैक करना है। कुछ इस तरीके से आपको जो नीचे की तरफ इसको पूरी तरीके से समझा दिया जाता है, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस हमें ऐप का जो ऑप्शन देखने को मिल जाता है उस पर आ जाना है। वहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, डुअल ऐप है इस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस आप अपने हिसाब से जो कि आप डबल ऐप यूज़ करना चाहते हैं जैसे कि व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा या फिर आपका जो भी डबल एप्लीकेशन आप यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ आने के बाद आपको क्लिक करने के बाद यहाँ डुअल ऐप पर क्लिक करना है। तो आपका जो कि डुअल ऐप है वो कुछ इस तरीके से होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका वो डबल ऐप बन जाएगा। जैसे कि आपका फेसबुक इस समय डबल हो रहा है तो ये आपका डबल फेसबुक आप यूज़ कर पाएंगे इस फ़ोन में कुछ इस तरीके से आप बनाने के बाद। हल्का सा बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको देखने को मिलेगा नीचे की तरफ, सबसे नीचे देखने को मिल जाता है ऐप लॉक। यहाँ पर आने के बाद आप अपने फ़ोन में यहाँ से आप ऐप लॉक सेलेक्ट कर पाएंगे। तो आप यहाँ से आने के बाद अपना ऐप लॉक लगा सकते हैं। थोड़ा सा बैक और आ जाना है। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, बैक आने के बाद आपको लॉक स्क्रीन में आ जाना है। लॉक स्क्रीन में आपको देखने को मिलेगा नीचे की तरफ लॉन्च कैमरा, तो इसको इनेबल करेंगे तो आपको क्या करने वाला गाइस, आप अगर लॉन्ग प्रेस टाइम आप वॉल्यूम डाउन बटन है जो कि आप प्रेस करेंगे तो आपका होम लॉक स्क्रीन पर ही कुछ इस तरीके से कैमरा ओपन हो जाएगा। तो इसको मैं चेक करा रहा हूँ, देख सकते हैं आज मेरे लॉन्ग टाइम मैंने प्रेस किया तो मेरा जो कि कैमरा ओपन हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने फ़ोन में डायरेक्टली स्क्रीन ऑफ पे भी कैमरा ऑन कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, कैमरा ओपन कर लेना और कैमरे में आपको क्या क्या बेस्ट फीचर इस फ़ोन में देखने को मिल जाते हैं वो सारी जानकारी हम उस वीडियो में आपको देंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें परमिशन दे देना है पहले पूरी तरीके से इस फ़ोन को। और यहाँ पर आने के बाद आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन, और यहाँ पर आने के बाद आपको सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। और जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एट टाइम स्टार्ट और फोटोज़, तो आप इसे इनेबल करेंगे तो आपका जो फ़ोन किस टाइम में खींचा हुआ फोटो है उस पर ये टाइम आपका सेट कर देगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पिक्चर क्वालिटी भी आपको देखने को मिल जाती है, आप किस टाइप की पिक्चर चाहते हैं स्टैंडर्ड, लो या फिर हाई क्वालिटी, तो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे आपका जो जूमिंग का ऑप्शन है कि आपको जूमिंग किस हिसाब से रखनी है, आपके कीपैड से जूमिंग रखना है या फिर इसे सूट रखना है, आप इस हिसाब से अपना वॉल्यूम की से सेलेक्ट कर पाएंगे इसको। फोकस एंड सूट की बात करें तो यहाँ पर आप देखने को मिल जाता है टैप टू फोकस देन ए अगेन टैग ए पिक्चर, तो आप इसको इनेबल करेंगे तो होने के वाला है। जिसके इसमें आप इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जैसे फोकस करेगा ये ऑटोमेटिकली फ़ोटो क्लिक कर देगा। तो आप इस तरीके से इसको सेलेक्ट करने के बाद फ़ोटो डायरेक्टली ले सकते हैं। नीचे तरफ बात करेंगे तो आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर कस्टमाइज का ऑप्शन, और यहाँ पर आने के बाद आपको देखने को मिल जाता है फ्यूचर लेआउट, और यहाँ आने के बाद अपने हिसाब से क्या क्या लेआउट अपनी स्क्रीन पर लगा सकते हैं वो सारे यहाँ पर सेलेक्शन कर पाएंगे। और नीचे तरफ आप देखेंगे तो आपको कई कैमरा मोड्स हैं कुछ इस तरीके देखने को मिल जाते हैं कि आप किस तरीके से आपका कैमरा मोड है जो कि नजर आए, तो आप यहाँ से आने के बाद उसका भी सिलेक्शन कर पाएंगे। और यहाँ पे बात की जाए यहाँ पे साउंड की, तो आपको इस फोन में 4 टाइप के साउंड्स हैं जो कि कैमरा साउंड पिक्चर लेन पर जो कि आपको सुनाई देते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर पाएंगे किस तरीके का आपका कैमरा साउंड चाहिए। उसके बाद बात की जाए गाइस यहाँ पर थोड़ा सा बैक आना है। बैक आने के बाद आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर एंटी बैंडिंग का ऑप्शन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस टाइप की आपकी बैडिंग से 60 हर्ट्ज़ या फिर 50 हर्ट्ज़ और या फिर ऑटो जिस टाइप के आप करना चाहते हैं यहाँ से अपने सिलेक्शन कर पाएंगे। बैका जाना, बैकाने के बाद आप देख पाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन जो कि देखने को मिल जाते हैं। AI का भी इस फोन में ऑप्शन जो कि आपको देखने को मिल जाता है, तो नीचे तरफ यहाँ पे मोड में और सारे ऑप्शन जो कि देखने को मिलते हैं कुछ कैमरे में इस तरीके की सेटिंग आपको देखने को मिल जाती हैं। बात की जाए गाइस यहाँ पे कंट्रोल पैनल की जो कि आपको एडिट किस तरीके से करना है, न्यू वाला कंट्रोल पैनल जो कि एडिट करना है तो क्या करना होगा गाइस, आपको पहले न्यू वाला कंट्रोल पैनल उसको लगा लेना होगा। उसको लगाने के बाद आपको किस तरीके से एडिट करना है, क्या क्या उसमें लगा सकते हैं आप, वो सारी जानकारी इस वीडियो में अभी बताने वाले हैं आपको। कुछ इस तरीके से लगाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आप इस तरीके का आपका जो इंटरफेस दिखाई देगा तो आपको इसको एडिट करना है, तो क्या करना होगा इस आपको ऊपर की तरफ एक आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और आपको क्या क्या कहाँ पर लगाना है कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है और किसको हटाना है, तो यहाँ पे आपको ये कुछ इस तरीके से हटा देना है। उसको ऐड करने के लिए फिर से यहाँ पे ऐड कर देना है और आप वो आपका ऐड हो जाएगा ऊपर डन कर दें, तो आप कुछ इस तरीके से आपको जो इंटरफेस है यहाँ पे एडिट कर पाएंगे इसको। गाइस यहाँ पे आपको जैसे कि देखने को मिल रहा है यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन, गैलरी पे क्लिक करने के बाद आपको जैसे कि मैं आपको बताने वाला इस समय मेरे फोन गैलरी में कोई फोटोज़ नहीं है, जिसके मैं एक फ़ोटो खींच लेता हूँ हैंड टू हैंड और आपको बताता हूँ इसकी कुछ सेटिंग्स। जैसे गाइस मेरा फोटो खींच चुका है और यहाँ पे जैसे कि मैं इस फोटो को डिलीट करता हूँ तो मेरे कहाँ जाने वाला है वो सारी आपको जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो जैसे कि मैं गैलरी में आने के बाद जैसे कि मेरे फोटो ये आ चुका है और उसको मैं डिलीट करता हूँ
डिलीट होने का ये डिलीट नहीं होता तो ये कहाँ जाता है मैं आपको वही बता देता हूँ। आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सेटिंग पर क्लिक कर लेना और क्लिक करने के बाद आपको नीचे तरफ देखने को मिल जाता है ट्रैश बिन, इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि गाइस मैंने फोटो डिलीट किया था वो मेरे यहाँ पर आ चुका है, तो आपको यहाँ आने के बाद भी ये फोटो डिलीट करना रहता है। तो चेक कर लीजिए गाइस, आपको अगर फोटो आप डिलीट कर दें तो आपको वहीं से आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बस यही कुछ था हमारे इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हमारा है तो ये लाइक कर सकते हैं, और आपको नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले कोई वीडियो आप मिस नहीं कर पाएँ।